अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ़ ज़मा ब्लॉग्स। तो आज है फर्स्ट शव्वाल, आज तारीख है 3 और 5 मई है इस वक्त, और आज हमारी है ईदुल फितर। आ जाओ भाई, आ जाओ जवाद। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जवाद, आपने पिछले साल वीडियो में देखा होगा ना, इस साल वीडियो के अंदर आया, ये पूरे एक साल के बाद नज़र आ रहे हैं वीडियो में, सही है ना। तो आज हमारी ईद है, अभी जाना मस्जिद की तैयारी हो रही है, तो अभी मैं जवाद को मोबाइल दूंगा, जवाद ही पूरे के पूरे मस्जिद का आपको टूर भी करवा देंगे, मस्जिद भी दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, कल रात की वीडियो देखकर आ जाएं, वो भी जवाद नहीं बनाए थे, आप वीडियो देख लें, फिर दोबारा इस वीडियो पर आ जाएंगे हम, सही है। जज़ाकअल्लाह। नुमान भाई और ये हमारे बहुत सारे खादमीन, और ये हमारे जो हैं माशाल्लाह से कमेटी मेंबर हैं। मेरा भी ये कहता चैनल है, उसको मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ज़बरदस्ती। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हैं तैयारी हो गई है फुल, अभी यहाँ पर कमेटी मेंबर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ तैयारी हो गई है, यहाँ पर सारे के सारे लोग आएंगे अभी, और भी यहाँ पर एक दो जलिया बचेगी, ऊपर भी लोग जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वो पूरा का पूरा बच जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे कमेटी के मेंबर है, ये हमारे वसी भाई, अच्छा शेयरी कर रहे हो, अच्छा ये शेयरी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी सारे के सारे लोग आएंगे, ये जगह पूरी की पूरी भरेगी यहाँ पे। ये हमारे लोग तैयारी कर रहे थे माशाल्लाह, जिन्होंने तैयारी कर ली थी पूरी की पूरी, वेरी गुड, जज़ाकअल्लाह। अब चलते हैं और इंतज़ार करते हैं, अच्छा नमाज हमारे 7:30 बजे, अभी तो 6 बज रहे, आधे 1.5 घंटा बाकी है। तो
भाई हम तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी घर से बाहर आया हूँ और अभी तो कोई नहीं आया खैर, लेकिन आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। इस तरफ भी यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरफ भी हो गई है, इस तरफ भी हो गई है, धूप ही निकल कर आ चुकी है इस वक्त। और मसला ये है कि यहाँ का फितरे का जो मसला है ना कि लोगों से फितरा कलेक्ट करना है वो मेरे ऊपर है। यहाँ पर मैंने बिठाया हुआ, इस तरफ बिठाया हुआ, सामने भी किसी को बिठा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही, देखते हैं क्या होता है। सही है तो चलते हैं अभी देखते हैं। तो भाई हुज़ैफ़ा को, हुज़ैफ़ा क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है ठीक है भाई, ये बड़े ज़बरदस्त लड़के हैं यार, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन यार। तो इसका मैंने बिठाया उस तरफ, ये मेरे साथ बैठेगा इधर, तो जल्दी जल्दी बैठते हैं, शुरू कर देते हैं यार, बिस्मिल्लाह कर दे, उस तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ओके। मैं यहाँ से घूमते हुए चलता हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो यहाँ पर ये भाई बैठे हुए, यहाँ पर हम उसको बैठाए, ये जुनेद भाई बैठे हुए हमारे, क्या हाल है भाई, फेरी अपने। अभी मैं चेयर लेके जा रहा हूँ, मैं आपको मस्जिद के अंदर का दिखाता हूँ पहले थोड़ा सा। अभी कोई आया नहीं है, 7:30 बजे चलो।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे तरफ़ से आप तमाम लोगों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली आप लोग की ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। तो हमारी ईद के अंदर मसला ये हुआ कि मेरे एक दोस्त था, जब मैं फितर जमा कर रहा था, मैंने जैसे आपको बताया था, तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ बुखार। तो जैसे हम लोगों ने दुआ की, मैं उसको आगे पहुँचा दिया मैंने उसको हॉस्पिटल। तो बस वहीं पर हमारा पूरा टाइम वहीं पर लगा। मैं अभी तकरीबन आया हूँ, मुझे तो अभी टाइम का अंदाज़ा नहीं है कितना तकरीबन, लेकिन हमें वहाँ पर एक घंटा तकरीबन लगा। तो उसको 102-103 का बुखार होता, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो उसको मैं लेकर गया हॉस्पिटल, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है, तो उसको मैं लेकर आ गया। तो उस वजह से पूरी मस्जिद जब मैं आया खाली हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के गया था अपने दोस्तों के पास। उन्होंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई होगी, होपफुली बहुत सारी क्लिप बनाई होगी, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप देख लें, मसला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग को लाइक कर देना है, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो कर ले यार, क्या करके आ रहे हैं आप लोग, कब करेंगे भाई, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हम लोगों ने, आप लोग कर ही नहीं रहे। ईद आप लोगों की गुजर गई, अल्लाह ताला आपकी बातों को कबूल फरमाए, हमें भी दुआ में याद रखें। तो भाई हम खाने लगे हैं पुलाव, इस वक्त टाइम हो रहा है 10, अबू गए और अबू लेकर आ गए पुलाव, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप लोगों ने खाना हो तो अपने लिए मंगवा के खा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। मैं तो खा रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार है, आप लोगों ने खाना हो तो मंगवा रहे हैं, यहाँ मिल जाता है 100 रुपये प्लेट है, 150 रुपये प्लेट है, आराम से मिल जाएगा। यार अभी जो है ना, अम्मी ने चाय बना के दी, उरूज नहीं करो, मैंने अभी उरूज की दी तो वो यहाँ पर आके ना म्यूज़िक दे रही है पीछे से, दो ज़रा म्यूज़िक ये देख रहे हैं आप, उरूज म्यूज़िक दे रही है। अच्छा चले, तो अम्मी ने चाय बना के दी मुझे, और ये चाय जो है इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब मैं रह नहीं पाया, मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ कि 10 बजे चाय पी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बताया जा सके कि भाई अब आप लोग 10 बजे चाय तो चाय पी सकते हैं, जैसे कि हम पी रहे हैं। ये चाय बहुत ही प्यारी बनी हुई है, बहुत ही, इसमें इलायची अम्मी ने थोड़ी ज़्यादा डाली हुई है। तो अभी मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी चाय बहुत ही प्यारी, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है अम्मी ने। हमने पिछले ब्लॉग में कहा था ना, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा हो तो यहाँ पर इस तरफ चाय के कप के तरफ आई बटन में लिंक मौजूद होगा, आप जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब ड्रीम मोड में चाय पी थी ना 140 रुपये की, तो बहुत ही बेकार चाय थी, जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी इतनी बेकार चाय। लेकिन ये जो चाय ना, ये बहुत ही प्यारी, अम्मी के हाथों की चाय यार, ज़बरदस्त। उर्ज अपनी दीदी दिखाना चाह रही है, उर्ज लाओ इधर लाओ, आगे लाओ, और हाँ, उर्ज के पास पैसे आ गए, अमीर हो गई उर्ज, अमीर हो गई। तो अब हम, आप हमें अमीर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भी आप लोग के लिए वीडियो एडिट करके डाल सकूं। तो भाई वीडियो एडिट हो गई आप लोग के लिए, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद रात को 8 बजे जाकर मैंने आप लोग के लिए वीडियो एडिटिंग कंप्लीट की है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही दोबारा बोलूँगा, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो यार, क्या करें, आप लोग नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भाई 40% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, 60% लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई 1000 तो करवाओ यार, करो सब्सक्राइब, रेड वाला बटन दबाओ, फिर बेल आइकन दबाओ, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो आप इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख दिया करें। मेरे तरफ से फिर बहुत बहुत आप लोग को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।